हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका भाई रतन। दोस्तों थंबनेल में हम देख ही चुके होंगे, आप लोग जो सीआरटी टीवी रहता है या नॉर्मल होम थिएटर रहता है जिसमें ब्लूटूथ नहीं लगा रहता है, तो हम लोग उसमें आज ब्लूटूथ लगाएंगे। इजिली बाहर से लगाएंगे, कोई अंदर अंदर कोई तीन पाँच नहीं करेंगे, बहुत ईजिली कोई भी लगा सकता है। ये अलग हम लोग आज ये अलग ब्लूटूथ का यूज़ करेंगे। देख सकते हैं ईयरफोन जो रहता है ना, ये नॉर्मल ईयरफोन आता है ब्लूटूथ का, हम लोग इसी का यूज़ करेंगे जो नॉर्मली लग जाए। और जैसे आपको अंदर ही लगाना है तो मैं कमेंट बताना, अंदर में ऐसा टाइप का ब्लूटूथ किट आता है उसको लगाएंगे, या सॉरी बोलो तो ऑडियो किट था, ऐसा टाइप का ब्लूटूथ किट आता है अलग से, उसको भी लगा लेंगे। आपके कमेंट के हिसाब से रहेगा जो बनाना है। तो आज फिलहाल इसी को मैं लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाएंगे। इजीली लगाना, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। तो वीडियो पूरा देखिए तभी समझ आएगा, नहीं तो आधा देखेंगे बोलेंगे भाई क्या से क्या बना दिया। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, चैनल नया है तो हर टाइप का वीडियो आता है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर वीडियो जरूर जाना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास दो सेम था तो एक का यूज़ करने वाला हूँ मैं, दोनों को नहीं खोलूँगा। इसको मैं खोल के देख बार चला के देख चुका था तब बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे भाई चला के नहीं देखा ऐसा बता दे, ऐसा नहीं। मैं शुरू एक बार ट्राई कर लेता हूँ उसके बाद ही आप लोगों को बताता हूँ। ये आपका ब्लूटूथ किट है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो निकालेंगे तो इजीली निकाल लेना, ये देखिए निकल गया। ओके तो इसको मैं और निकाल लेता हूँ। बैटरी है, किसी में थोड़ा छोटा बैटरी लगता है, किसी में बड़ा बैटरी लगता है, तो अलग अलग जैसे महंगा सस्ता लेंगे उस हिसाब से। तो इसको मैं खोल लेता हूँ पूरा, ये मैं किट को पूरा निकाल लिया। सिंपल किट आप लोगों का ऐसा ही टाइप का होगा, थोड़ा सा एडवांस कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगा होगा ऐसी उसी, तो अलग बात है वो, लेकिन जो कनेक्शन रहेगा सेम रहेगा। जैसे ये इसका मैं देखिए, एक इस पे ये हो, एक हो गया और एक ये वाला हो गया, तो दोनों में दो दो वायर गया होगा आप लोगों को भी पता है। तो दो वायर देखिए यहाँ पास, दो वायर यहाँ पास, देखिए यहाँ दो वायर है, इसको मैं निकाल दिया हूँ। यहाँ यहाँ पास दो वायर है, देखिए जो प्लस माइनस, यहाँ पास दो वायर है, यहाँ पास ये देखिए यहाँ दो वायर है और दो वायर यहाँ पास है। तो मैं निकाल लिया था क्योंकि एक बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे भाई ऐसे ही बता दे रहे। तो इसका माइनस और इसका माइनस दोनों सेम रहता है। ओके माइनस माइनस लिखाया होगा, अब यहाँ थोड़ा गौर करेंगे, देखिए यहाँ पास प्लस माइनस लिखाया है, यहाँ पास देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है प्लस है, तो दोनों का माइनस प्लस दिख जाएगा आप लोग पास से देखेंगे तब। ओके तो इतना मैं, तो क्या करना है इसको मैं नीचे रखता हूँ, उसके बाद में जो यूज़ चाहिए, ये देखिए ये केबल चाहिए अपने को, ये केबल दिख रहा है, ऑडियो वीडियो केबल जो भी बोलिए आप ले आना इसको एक्स्ट्रा। तो एक केबल का क्या किया हूँ, सिंपल माइनस को दोनों का सेम रहता है, माइनस पता आपको माइनस माइनस हो, तो माइनस का एक ही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये प्लस है सब, ये बीच वाला ना, इसको खोल के मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखिए बीच में लगा हुआ ये, बस ये देखिए बीच में लगा। तो एक को बीच में बना देना ऐसा टाइप का, एक बन गया, और दूसरा का माइनस प्लस आपको पता ही ऐसा टाइप का जोड़ लेना है। एक देखिए प्लस वाला अंदर में है, माइनस बाहर में, तो माइनस दोनों का सेम रहेगा। तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसका जो एक माइनस रहेगा ना वो ब्लैक में जाएगा, ये ब्लैक माइनस रह जाएगा कॉमन, और इसका रेड का रेड जाएगा, और इसमें जो प्लस एक तो लिखाया होगा वो प्लस, ये जो है ना ये प्लस में जाएगा। मैं जोड़ लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैं इसको जोड़ लिया था, तो इसमें देखिए एल माइनस एल प्लस हो, तो इसमें एल प्लस में जोड़ लिया मैं इसको ना, तो डायरेक्ट एल माइनस प्लस दोनों इसमें जोड़ सकते थे, लेकिन इसलिए मैं नहीं जोड़ा क्योंकि क्या पता आप उल्टा जोड़ देंगे तो इसको जो टीवी किट का रहता है, टीवी किट है होम थिएटर का जो रहता है ना, वो माइनस कॉमन रहता है, इसमें भी माइनस कॉमन रहता है, इसलिए मैं एक ही माइनस निकाल रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट मत हो। एक प्लस ये निकल गया, एल प्लस है, एल माइनस यहाँ पर छूट गया है यहाँ पर, ठीक एल माइनस को नहीं लेना है। लेकिन दूसरा पार का क्या करना है आप लोगों को, दूसरा पार का ऐसा करना है, देखिए जैसे इसको आर माइनस यहाँ पास होगा, देखिए आर हल्का सा लिखा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पास थोड़ा नहीं दिख रहा अच्छा से, आर यहाँ माइनस होगा, माइनस में ब्लैक और प्लस में आर प्लस में ये जाएगा, मतलब बीच वाला जो रहेगा ना, ये बीच वाला ये प्लस है इसका, समझिए बीच वाला जो दिख रहा है ना ये बीच वाला प्लस रहेगा, और ये जो किनारे वाला माइनस, तो एक ही एक माइनस बनाया हूँ मैं और दो प्लस बनाया हूँ एल आर। ओके तो इतना हो गया, तो इसके बाद इसको हम लोग डब्बा में जोड़ लेंगे। डब्बे में जोड़ने के बाद चलते हैं अपने सेटअप में। दोस्तों टीवी में जब कनेक्ट करना है, देखिए जैसे यहाँ पास आपको पता चलेगा, यहाँ देख लिया ऑडियो वीडियो दिखा रहा है, ठीक है दो ऑडियो को एल आर को निकाल दिया मैं, सिंपल ही ये खाली वीडियो लगा है। किसी किसी टीवी में ऐसा होता है, वीडियो जब तक नहीं चलेगा तब तक ऑडियो काम नहीं करता है। जैसे सेक्टर बॉक्स का वीडियो को मैं लगा कर रख चुका हूँ, तो देखिए सामने वीडियो दिख रहा है, ये टीवी के सामने कैमरा थोड़ा अलग होता है आपको भी पता है। तो किसी किसी टीवी में ऐसा होगा, और ओनिडा में चलाया तो ओनिडा में ऐसा नहीं है, वीडियो नहीं चलेगा लेकिन ऑडियो डालेंगे तो डायरेक्ट चल जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, सिंपली हम लोग दो जेक बनाए थे ऐसा देख सकते हैं आप लोग, ये दो जेक बनाए थे हम लोग, तो दोनों जेक को अपने को लगा लेना है सिंपली, कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक ये लगा दिया और एक ये जेक लगा दिया, उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। ओके ये लगा दिया, इसके बाद हम लोग इसको ऑन कर लेंगे।
ये देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, दबा के जानते हैं आप लोग बीच को दबाएंगे तो ऑन हो जाता है। आवाज़ सुनाई दिया होगा आप लोगों को, उसके बाद मैं डायरेक्ट मोबाइल पे आ जाता हूँ, अपने मोबाइल पे आ गया। उसके बाद ये ब्लूटूथ, ये देखिए मैं शुरू कनेक्ट किया था तो ऑटोमेटिक ये देखिए ऊपर ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद मैं डायरेक्ट अपने यूट्यूब में चल जाता हूँ और नॉन कॉपीराइट स्टूडेंट चलाता हूँ। ये देखिए चल भाई, ये देख सकते हो दोस्तों चल रहा है आवाज़ अपना, ये देख देखिए आगे पीछे करके दिखा देता हूँ मैं, ये आगे आवाज़ कम करता हूँ, देखिए ये आवाज़ कम किया, पूरा कम हो गया, ज़्यादा किया ज़्यादा हो गया। ओके उसमें मैं खाली टीवी में चला के दिखाया हूँ, टीवी रहे होम थिएटर सिंपल, हमारे पीछे में ये ऐसा रहता है इनपुट रहता है, डायरेक्ट इनपुट में इसको लगा देना है। मैं टीवी में दिखा दिया क्योंकि टीवी में बहुत लोगों दिमाग में लगता होगा कि भाई चलता है नहीं चलता नहीं चलता, इसलिए मैं शुरू टीवी में दिखाया, होम थिएटर में तो 100% वन चलेगी चलेगी। और बात की बात हो गई वापस में बनी बता पाया, देखिए जैसे सेक्टर बॉक्स का पिक्चर चल रहा है तब इसको ऑडियो लगाएंगे तो चलेगा, एक ऐसा एक टीवी होता है। और किसी जैसे ओनिडा वाला हो गया, ओनिडा और ओनिडा में चला के देखा हूँ मैं, और एल जी ओलजी का नहीं बोल सकता, जैसे ओनिडा का सीआरटी रहे ना उसमें डिस्प्ले नहीं रहेगा ना, जैसे मैं सेक्टर बॉक्स लगाया डिस्प्ले उसके बाद इसका ऑडियो लगाया चलाया ना, उसमें क्या होगा आप किसी के वीडियो भी मत दो डायरेक्ट ऑडियो दोगे ना तो चालू हो जाता है ओनिडा वाला में। और कोई सा भी आप चला के देख लीजिए, होता तो मेरे कमेंट बॉक्स बताना, मैं कमेंट में सबको बता दूंगा कि इस टीवी में भी वो वीडियो बिना चलता है। ओके और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक, आपके ऊपर है दोस्तों वीडियो कैसे बना है। ओके बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं, आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।